साथ हैं इस वक्त इजाज असलम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत लंबी लिस्ट थी, उसमें से मैंने कुछ थोड़े से बोले और उसमें से कुछ वही बोले जिनको जिनके साथ मेरी थोड़ी रिकग्निशन थी और मैंने उनको देखा हुआ था एंड ऑल दैट। सो ये सफर जो सारा है उसके बारे में पहले हम स्टार्ट करेंगे एज अ डिजाइनर एंड देन मॉडल एंड देन एक्टर एंड बीच में कुछ आपकी पायलट बनने के भी शौक हैं एंड बीच में नहीं शुरू में थे खत्म हो गए? खत्म नहीं हुए, मुझे अभी भी बड़ा शौक है लेकिन वो एक होता है ना जर्नी आपकी, फिर टाइम के साथ आप कहाँ चले जाते हैं, आप सोचते बहुत कुछ है। So, all right. you know, so, I, अगर एक्टर नहीं होते तो पायलट होते मे बी, हाँ, या फिर बिजनेस कर रहा होता। बिकॉज छोटा था जब मैं तो उस वक्त मुझे बहुत शौक था प्लेन्स का, गाड़ियों का और पायलट बनने का बहुत शौक था। फिर ग्रेजुअली जब आप जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो आपका माइंडसेट चेंज होता रहता है, कीपिंग द सर्कमस्टेंसेज इन माइंड, और फिर आपके अराउंड जो लोग होते हैं उनसे आप इन्फ्लुएंस होते हैं। कम एज जब आपकी होती है तो फिर आपके शौक और आपकी जो चीज़ें जो करियर होते ऑप्शंस होते हैं वो बदलते जाते हैं। बट इवेंचुअली आप व्हेन यू फाइंड योर पैशन तो मुझे लगता है कि फिर उस डायरेक्शन में आपको चले जाना चाहिए। तो फिर वो लोग लकी होते हैं जिनका पैशन जो होता है प्रोफेशन बन जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इतने ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट्स, मतलब आपके प्रोजेक्ट्स को हम देख रहे थे एंड माशाल्लाह से देयर सो मेनी ऑफ देम, कितने सालों का ही आपकी काम है, व्हिच प्रोजेक्ट इज लाइक द मोस्ट डियर टू यू एंड व्हाई? रिसेंटली एक तो चीख में मैंने बहुत इन्जॉय किया अपना काम, अपनी स्क्रिप्ट, इतनी पावरफुल स्क्रिप्ट थी, उसको उसको एक्ट करना, उसको उन लाइन्स को डिलीवर करना या उस कैरेक्टर को लेके चलना पूरा, उसमें शेड्स थे बहुत, वो स्टार्ट पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है फिर वो पैरालाइज हो जाता है। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग रोल था और बहुत दिल से बहुत एनर्जी के साथ किया था। फिर अभी जो ड्रामे चल रहे हैं वो भी सारे इसी तरह हैं कि वो उसमें बड़े शेड्स हैं, आप टाइम के साथ साथ, अभी आप नंद ड्रामा जो चल रहा है उसमें भी इसी तरह होगा कि उसमें जिस तरह से स्टार्ट हुआ है और अब उसकी जर्नी कैसे चेंज होगी, वो फिर लोग क्या कहेंगे, वॉज वेरी हार्ड टचिंग। वो बहुत एक इंटेंस सब्जेक्ट था और उसको बहुत फील के साथ करना था, वरना वो लोग कनेक्ट नहीं होते फिर उससे, क्योंकि इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट और टॉपिक, और फिर वो सारा जो उसका टाइम फ्रेम था जिसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, फिर वो सुइसाइड करता है वो आदमी, तो वो उस कैरेक्टर का ग्राफ जिस तरह लेके चलना था, और बहुत सारे लोग उसमें ये बोलते थे कि भाई ये अगर इसकी जॉब चली गई थी आदमी की तो इसमें ऐसी क्या बात थी, कुछ ढूंढ लेता, कोई और काम कर लेता, कोई और रास्ता देख लेता, इसमें सुइसाइड करने वाली कोई बात नहीं थी ना करते। तो उसमें मैसेज ये था लोगों के लिए कि जो जिस इंसान की नेचर सुइसाइडल होती है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, फिर उसके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये मैसेज उसमें देना था कि जो इस तरह के आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं, आपके फैमिली में हैं, अगर वो इस तरह के डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसी सिचुएशन को लेके, तो उन पर नज़र रखें, उनको देखें, उनका ख्याल करें, उनको डाइवर्ट करें। करने को तो अगर सुइसाइडल नहीं हो आदमी तो वो उसको लेता, वेट करता, कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई ऑप्शन निकल आता, बट क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसने अपने ऊपर सवार कर लिया था उस चीज़ को, और वो ये ट्रू स्टोरीज़ हैं बिल्कुल। तो अब लोग बोलते हैं कि हमारे फैमिली में ऐसी स्टोरीज़ हैं, इसकी स्टोरी है, एक मुझे परसों भी किसी ने मुझे बताया कि एक एडवर्टाइजिंग फील्ड का ही आदमी था उसकी, तो वो ये मैसेज देना होता है लोगों को कि अब वो नॉर्मल इंसान होता तो वो उसको सर्वाइव कर जाता, बट वो था सुइसाइडल आदमी, तो वो उस तरह की चीज़ ना। आपका उस पे कमेंट भी हमने देखा था, व्हिच वाज वेरी नाइस टू अवेयरनेस आप थ्रू योर ड्रामा आपने क्रिएट किया, और उसके बाद भी आपने पोस्ट उसकी की। हाँ, वो इसीलिए की थी ताकि लोगों को समझाएं कि लोग अपना ओपिनियन दे देते हैं ना बिल्कुल सरफेस लेवल पे, लोग उसकी डेप्थ में नहीं जाते, ये क्यों हो गया ड्रामे में, ऐसा नहीं तो ऐसा कर देते। तो फिर ड्रामा है तो उसमें ड्रामा आपको क्रिएट करना पड़ता है ना, अगर आप उसको कुछ दिखाएं नहीं, ड्रामा ना क्रिएट करें, उसमें वो एलिमेंट ना डालें, तो आप देखेंगे नहीं फिर। सो ये थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को बिफोर कमेंटिंग। वो बस एक होता है ना, कई लोग तो ऐसे करते हैं कि बस वो थोड़ा सा अटेंशन गेन करने के लिए उल्टे से देखते हैं, वो तो हम नेगेटिव को हम बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर लेते हैं। बट मुझे ये बताएं कि वो जो सीन था, ऑफ कोर्स सुसाइड,
usually like we don't show them on, and you know ke we won't show it on screen, but still you went through and I read ke aap, you know, aapke saath ek thoda sa, so wo, so why do you even still go through that? What's the purpose of that? To show the reality, the, or what? वो करना नहीं था सीन, उसको बस वैसे ही दिखाते कि वो कमरे में गई है और उसने देखा एंड वो शॉक हो जाती है और वो, तो फिर मैंने थोड़ा सा उसके लिए स्टैंड लिया प्रोडक्शन से, चैनल से. मैंने कहा यार इतना इम्पोर्टेंट सीन है वो, पूरा ड्रामा आगे उसी पे चलेगा, उसी चीज़ को लेके चलेगा, तो उसको शूट करना है मुझे. तो इन्होंने कहा बहुत रिस्की है और उसको हम कैसे शूट करें, और वो थोड़ा ये मसला होगा, हमने दिखाना भी नहीं, हम टीवी पे तो दिखा भी नहीं सकते, कैमरा की रिस्ट्रिक्शन है. तो यूट्यूब पे वो ऑब्वियसली दिखाया, फिर वो वहाँ चला. तो मैंने कहा जो भी है उसको आप लोग अगर यूट्यूब पे भी चलेगा या डिजिटल पे चला सकते हैं, उस पर नहीं, लेकिन उसको शूट करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है. और वो उसकी अगर फ्लैशेस भी आते हैं या कोई उसकी, वो उस लड़की के लिए जो सहीफा ने जो कैरेक्टर किया उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आगे उस दहशत को लेके वो चलेगी, वो बच्ची. तो मैंने कहा उसको मिस नहीं कर सकते. बड़ी बहस की, बहुत हुआ, फिर हमने किया वो सीन. और फिर वो अनफॉर्चुनेटली उसमें हुआ यही, वो रिस्की तो था, वो मेरे रोप लगी हुई थी और हार्नेस बंधा होता है, जैकेट होता है, हार्नेस उसके ऊपर बेसिकली सारा बॉडी का वेट होता है, और रोप दूसरी होती है जो कि ऐसे ही लगा देते हैं, बस हैंग कर देते हैं कि वो लगे कि इसमें लगा हुआ है, लेकिन पीछे से हार्डनेस ने होल्ड किया होता है. तो वो हमारे यहाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इक्विपमेंट और चीज़ें नहीं हैं लोगों के पास, तो जो फिल्म्स में करते हैं एक्शन वैक्शन उनको लेके आए थे, तो वो उन्होंने हार्नेस मेरे, हालांकि एक हफ्ता पहले बताया था उनको, तो साइज़ की लाए नहीं थे, वो छोटे साइज़ की लेके आ गए थे. तो वो खैर पहन तो ली थी, लेकिन वो वही हैंग हुए हुए लगा हुआ था जब, तो वो टूट गई. तो जब टूटी तो रोप बंधी हुई थी मेरे गले में, तो वो मैं फंस गया उसमें. तो वो फ्यू सेकेंड्स थे, लाइक मे बी 2-3 सेकेंड्स होंगे, बट उस वक्त मैंने वो रियलाइज़ किया जो मैंने लिखा बाद में, हो सकता है अल्लाह ने इसलिए कराया, तो मैंने वो रियलाइज़ किया कि कितना पेन से गुजरता होगा जो आदमी वो ये करता है, और फिर उसके घर वाले किस पेन से गुजरते होंगे. वो फ्यू सेकंड्स थे, 2 या 3 सेकंड्स, मेरी सारी जो नर्व्स हैं यहाँ पे ऐसी स्वेलिंग हो गई थी, मेरे पाँव के नीचे बिल्कुल नंब हो गया था, विद इन सेकेंड्स नंब हो गया था, कान बंद, सब गर्दन. उस टाइम पे ट्रॉमेटिक एक्चुअल एक्टर्स के लिए, इवन फॉर दैट चाइल्ड, वो लोग रोना शुरू हो गए थे सब, बिकॉज उन्होंने लगा कि बहुत, तो डायरेक्टर ने बोला होगा मैंने बोला था कि ये नहीं करना. डायरेक्टर बेचारा वो मुझे मोहसिन मिर्जा कहता रहा यार मैंने, वो मैं क्या करूँ, मैं सॉरी. वो जिन्होंने मुझे हार्नेस बांधी थी वो सब एकदम खड़े हो गए कोने में, वो डर गए कि मैं अब उनको क्या बोलूँगा या डांटूंगा. बट मैंने फिर कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अब ये इंसिडेंट था, होना था, हो गया. उसके बाद हमने 45 मिनट्स का, 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर मैंने कंप्लीट कराया सी. उसके बाद God. भी हिम्मत है. वो मैं उस ट्रॉमा और उस फील को, वो मुझे याद रहेगा. सो दैट्स मतलब कि इट शोज अ ट्रू एक्टर, यू नो, कि अच्छा भी मुझे खुद करने हैं अपने स्टंट्स, अपनी चीजें, जितना कुछ मैं खुद कर. बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे लिए भी वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद एम्बुलेंस वाला सीन करना था हमें, बाद में हुआ, लेकिन वो सारी फील लेनी तो उसी वक्त मैं कर सकता था ना, जब मैं उससे गुजरा हुआ बिल्कुल एक्सपीरियंस से, तो वो सब करना था. और वो लोग बहुत रोए भी वो देख के, और बहुत, मेरे घर वालों ने तो देखा ही नहीं आगे ड्रामा. नहीं, मैं